हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज के वीडियो में हम बिरला सॉफ्ट कंपनी के बायबैक के बारे में बात करेंगे। 25 मई की मीटिंग में इस कंपनी ने अपने शेयर्स बायबैक का अनाउंसमेंट किया है, तो इस बायबैक से जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट और फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास इन शेयर्स की होल्डिंग है तो क्या आपको इस बायबैक के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। और अगर आपके पास इन शेयर्स की होल्डिंग नहीं है और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले हम इस बायबैक से जुड़ी सभी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो इस बायबैक का अनाउंसमेंट 25 मई की मीटिंग में हुआ था और अभी तक इसकी रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जब होगी तो उसकी भी अपडेट मैं आपको दे दूंगी। इस बायबैक का जो प्राइस है वो 500 का डिसाइड किया गया है, जबकि करेंटली ये स्टॉक 360 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब जिसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो 43% के प्रीमियम प्राइस पर यह बायबैक लाया जा रहा है। वहीं इस बायबैक की जो वैल्यू है वो 390 करोड़ की रखी गई है। मतलब इसके जरिए कंपनी 78 लाख शेयर्स बायबैक करने वाली है। साथ ही ये बायबैक टेंडर रूट के थ्रू होने वाला है, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए इनविटेशन देगी और ये बायबैक एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा। अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो अभी मार्च में जो इसका फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसके बेसिस पे कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 17% से इंक्रीज़ हुआ है। वहीं इसका रेवेन्यू जो है वो 3% से इंक्रीज़ हुआ है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो रेवेन्यू है वो 35% से इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम इस कंपनी के 52 वीक्स हाई की बात करें तो इसका 52 वीक्स का हाई 585 का है, जबकि इसका 52 वीक्स का लो 295 का है। अगर हम इस साल के इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इस साल, मतलब पिछले 4-5 महीनों में इस कंपनी में 35% तक की करेक्शन देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस आईटी कंपनी के साथ है, ये जो करेक्शन है ऑल ओवर आईटी सेक्टर में ही देखने को मिली है। जितने भी आईटी सेक्टर में कंपनीज़ हैं सब में ही फॉल देखने को मिला है। तो उसके बेसिस पे अगर हम इस बायबैक के एक्सेप्टेंस रेशो की बात करें, जहां इसका हमने देखा 52 वीक्स का हाई है वो 585 का गया है, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसकी एक्सेप्टेंस रेशो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो ये तो हमने इस कंपनी से जुड़ी इसके क्वार्टरली रिजल्ट और इस बायबैक के बारे में बात कर ली। अब हम इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं। इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कंपनी कैसी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक मिड कैप की कंपनी है। इसका ROCE 25% है, वहीं इसका ROE 19.5% है, जो 15% से ज़्यादा है, तो इट्स अ गुड साइन। इसका EPS 16 रुपीज़ का है और वहीं ये एक डेट फ्री कंपनी है, तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी मैंने आपको बताया था, जो इसका करेंट फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें भी इसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 17% से इंक्रीज हुआ है। और जो भी इसमें इस पिछले 6 महीने में जो इसमें करेक्शन देखने को मिली है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी स्टॉक में है, ऑल ओवर जो आईटी सेक्टर है उसमें फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट एंड लॉस अगर चेक कर लें इसका, तो यहाँ से नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर से आपको इसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ROE जैसा हमने दिखाया कि 15% से ज्यादा है, मतलब कंपनी पैसा बना रही है। वहीं साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि शेयर होल्डर्स का पैसा भी बन रहा है, तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब इस बायबैक में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कैसे पार्टिसिपेट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सर्विसेज अपना बता देती हूँ। तो अगर आप स्टॉक मार्केट क्लासेस करना चाहते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल या फ्यूचर ऑप्शन की भी, तो पुणे में हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस चलती हैं। तो ये हमारा वेबसाइट आप यहाँ से देख रहे हैं। तो अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी तरीके का सपोर्ट गाइडेंस चाहते हैं या आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो कुछ भी आपको अगर इस फील्ड में अगर सपोर्ट और गाइडेंस लगता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या हमारा कांटेक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, या हमारा वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं।
तो अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ से आप आपका, अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट है तो इस तरीके से आपको अपने ज़ेरोधा अकाउंट में जाना है, प्रोफाइल पे जाना है। अगर नहीं है तो उसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है, आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जाएंगे तो यहाँ से आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कंसोल दिखेगा आपको, कंसोल में आप यहाँ से जाएंगे तो इधर आपको पोर्टफोलियो दिखेगा। पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपको कॉर्पोरेट एक्शन में जाना है। कॉर्पोरेट एक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, फिलहाल क्या है, अभी इसकी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है इस बायबैक की। तो जब रिकॉर्ड डेट आएगी उसके बाद बिडिंग डेट आएगी, तो बिडिंग डेट जब आएगी तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, तो तब आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ आप गेल का देख रहे हैं तो यहाँ आपको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। ऑप्शन में जाने के बाद प्लेस ऑर्डर, जितनी क्वांटिटी के लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका भी इसमें पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो जब इसकी रिकॉर्ड डेट आ जाएगी तब उसके बाद बिडिंग डेट आ जाएगी, उसके लिए भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे ये ज़ेरोधा मेंशन कर देगा और आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ से दिखा दी कैसे अप्लाई करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना सही रहेगा या नहीं। तो इसके लिए अगर आपके पास इन शेयर्स की होल्डिंग है और काफ़ी लंबे समय से आपने इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ बाइंग है वो काफ़ी कम है और आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, तो आप इसमें स्टे इन्वेस्टेड रहें क्योंकि आगे ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आप इसमें स्टे इन्वेस्टेड रहें। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसमें निकलने का प्लानिंग कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि ये स्टॉक थोड़ा ऊपर आए, 500 के आसपास आए और आप इसको से निकलना चाह रहे थे, तो ये एक राइट टाइम है, आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास इन शेयर्स की होल्डिंग नहीं है और आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अभी इसे बाय करके रख सकते हैं। 360 के आसपास इसका अभी प्राइस चल रहा है, अभी आप इसको बाय कर सकते हैं ताकि रिकॉर्ड डेट तक आपका नाम भी इसमें शेयर होल्डर्स की लिस्ट में आ जाए और आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो होप करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।